वेलकम है जी आपका, हम है वोंडोसेन एंड ब्यूटीफुल वेदर हियर इन मुंबई। बड़ी मुश्किल से थोड़ा क्लियर वेदर मिला है, सो सोचा मोटो ब्लॉग कर ले। सो या आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ मोटो ब्लॉग एंड यस आई एम ऑल्सो गोइंग होम नाउ। सो नॉट बाय बाइक, आई विल पार्क माई बाइक होम एंड देन आई हैव माई ट्रेन इन द नाइट। सो रात को हम मेरे घर जाएंगे अकोला। सो बाय द टाइम दिस वीडियो इज़ लाइव ऑन माई चैनल आई वुड बी प्रॉबली बैक इन मुंबई इट्सेल्फ, क्योंकि मैं लैपटॉप लेके नहीं जा रहा हूँ। एनीवे, सो व्हाई आई इंटेंटेड टू मेक दिस वीडियो इज बिकॉज बहुत जन मुझे पूछ रहे हैं ऑन माई सोशल हैंडल्स दैट व्हाई आर यू नॉट डूइंग लॉन्ग राइड्स, व्हाई आर यू नॉट गोइंग आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र सिंस लाइक 4 to 5 months। अब जो लोग मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं दे ऑलरेडी नो दैट लास्ट टाइम आई वेंट टू हम्पी, दैट इज इन कर्नाटका, एंड उसके बाद मैं गया ही नहीं कहीं पे, मतलब एज इन कहीं दूर नहीं गया। उसके बाद मैंने काफ़ी राइड्स की है बट सब लोकल राइड्स थी, मोस्ट ऑफ देम वेर इन मॉनसून इटसेल्फ। रीसेंट राइड वॉज महाबलेश्वर राइड। सो यस आई विल टेल यू टुडे व्हाई आई एम नॉट डूइंग यू नो लॉन्ग राइड्स सिंस अ लॉट ऑफ मंथ्स। एम आई स्केर्ड? ऑल द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो। सो या आई होप यू लाइक इट। When I went to Hampi, that time I was with a different company. I was working with somebody else and then in June I changed my job. So I'm working right now with a different company. Uske pehle jo thi wo different thi. So if you have seen my first Q&A, usme I've told that that's the reason I didn't go to Ladakh this year. Mera 100% plan tha is saal Ladakh jane ka. But unfortunately wo nahi ho paya because जब लद्दाख का सीज़न शुरू होता है एट द सेम टाइम आई गॉट अ न्यू जॉब एंड जो एक प्रोबेशन पीरियड होता है इन जॉब, इफ़ यू गाइस नो, आई एम श्योर यू माइट बी नोइंग दिस, प्रोबेशन पीरियड होता है। इन दैट प्रोबेशन पीरियड यू डोंट रियली गेट सो मैनी हॉलीडेज एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, लाइक मुझे पहले महीने में ही 15 दिन छुट्टी मिल जाएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल राइट। मेरे चाचा की कंपनी नहीं है, सो वेल दैट्स द रीज़न मुझे नहीं मौका मिला टू गो समवेयर एल्स फार लॉन्ग। मुझे तो बहुत इच्छा है यार, मुझे आप अपॉर्चुनिटी दे दो, अभी लद्दाख का रास्ते खोल दो, आई गो राइट नाउ टू लद्दाख। एनीवेज लद्दाख इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न वाई आई एम नॉट गोइंग टू एनी लॉन्ग राइड, बिकॉज मुझे इतनी छुट्टियाँ नहीं मिल रही, आई हैव गॉट लिमिटेड अमाउंट ऑफ हॉलीडेज फॉर प्रोबेशन पीरियड। एक बार मेरा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाए तो आई कैन गैदर माई हॉलीडेज यू नो in a single pack and then I can go on a long tour. Yaar in log ka to gang hi shuru ho gaya hai. Don't give money to these people guys, because jab aap money dete ho unko to they get encouraged and unka community badhta hai. I'm not saying that that community is bad, no, but the way they are earning money is not good. You know, it is unfortunate that they are of such kind, but then see, I don't like this kind of, you know, asking money to people because they are of that kind. I know they are neglected in society, but yaar ye bahut complicated cheez hai yaar, kya bolu main abhi. Secondly, I'm trying to collect a lot of money for my accessories because rides to hoti rahengi, but you know the things that I need for my riding, that is on priority now. Jitne bhi maine rides kiye hai pehle, in last year they were without riding pants, so fortunately I bought them before my Kanyakumari ride. Then uske baad I was missing with a lot of stuffs, so I'm just trying to collect those stuffs and iske liye main wahan pe paisa zyada focus kar raha hu filhal, rather than on long rides, because long rides ke liye yaar 10,000 rupees to aise hi chale jata hai, like minimum 10,000 rupees to ho hi jata hai, best like 3-4,000 kilometers ride ho to utna jayega hi. So I have collected a lot of things. Mujhe bike ka bhi kafi kaam tha, tire badalna tha, servicing karna tha, then saddle bag leni thi, intercom lena tha,
यू नो ऑल दोज थिंग्स बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं. सो वॉट आई थॉट आफ्टर हम्पी राइड इज दैट आई विल ट्राई टू कंट्रोल लॉन्ग राइड्स एज ऑफ नाउ. वैसे भी मानसून इज अप्रोचिंग एंड जैसे ही मई स्टार्ट हो गया मेरा नया जॉब भी स्टार्ट हो गया जून में एंड देन अर्जेंटली तो मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी. सो या नाउ छुट्टी मिल सकती है बट तब इन द फर्स्ट टू मंथ्स इट इज़ हार्ड टू गेट लॉन्ग हॉलीडेज राइट वैन यू हैव न्यू जॉब. सो आई जस्ट कलेक्टेड मनी आई जस्ट इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग दीज थिंग्स. इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माई चैनल यू ऑलरेडी नो विच थिंग्स आई बॉट एंड दैट वॉज द प्लान. आई मीन वैसे भी मॉनसून शुरू होने वाले थे सो आई थॉट दैट वाई नॉट जस्ट डू मोर मॉनसून राइड्स इन दिस मॉनसून. एनी वेज मॉनसून में मैं लॉन्ग राइड नहीं करता मुझे डर लगता है. या आई कन्फेस दैट एंड दैट इज़ नॉट सेफ अकॉर्डिंग टू मी. सेफ तो है ही नहीं कैसे भी जाओ बट मॉनसून इज़ लाइक मोर प्रोन टू एक्सीडेंट. सो दैट इज़ द रीज़न आई अवॉइड मेकिंग लॉन्ग राइड्स ऑन मॉनसून्स. I made 4 rides in monsoons. I collected some money, I bought my things, and now as the monsoons are about to go, I can do long rides. जब मैं बात करता हूँ कि मुझे डर लग रहा है क्या, yes, मेरी तो फटती है. Like before I start riding, मेरी फट जाती है completely because obviously यार इतना दूर जा रहे हो, इतना दूर घर से जा रहे हो, पता नहीं क्या हो जाए, anything can happen. So मेरी फट तो जाती है, नो डाउट इन दैट, बट आई हैव टू ओवरकम दैट. एक बार मैं राइड शुरू कर दूँ तो मुझे कुछ नहीं लगता बट बिफोर द राइड यस मेरी फट जाती है. यू नो डर लगना चाहिए. एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि टू बी वेरी फ्रैंक आई हैव टू अर्न माई ओन मनी. आई हैव टू मैनेज ऑल माई थिंग्स माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट यू नो हैव माई फैमिली ओवर हियर. सो मुझे सब कुछ सब खर्चा है लाइक रहने का खर्चा, किराया, रेंट, यू नो बाइंग माई स्टफ, मेरा खाना पीना सब कुछ मेरा खर्चा आता है, ऊपर से ये राइडिंग. सो इट इज़ नॉट दैट ईजी टू मैनेज अ पैशन विच इज़ वेरी वेरी कॉस्टली ऑन योर पॉकेट. राइडिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट पैशन आई हैव सीन, वन ऑफ द मोस्ट. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज. और ऐसा भी नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है. आई वर्क, आई एम अ वर्किंग पर्सन, आई वर्क, आई यूज़ माई हार्ड एंड मनी टू डू माई राइड्स एंड उसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है. आप मुझे पैसा दे दो, मैं अभी के अभी निकल जाऊँ राइड के लिए. सो नाउ एज आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर माई राइडिंग एंड आई डोंट नीड एनी सच थिंग एनी मोर अपार्ट फ्रॉम अ ड्रोन. काश मेरे पास ड्रोन होता. Finally, I can go on long ride. So, yes, I'm going on a long ride, guys. In this month itself. अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? That I'll tell on my Instagram and my Facebook. So, I've decided that I'll update my riding status. जो ride में मैं regular updates देता हूँ, वो Instagram पे दूँ. Because Facebook पे it becomes really difficult to post something. It is not easy. बहुत कुछ करना पड़ता है. Instagram is very handy and दो-दो चीज़ें एक ही चीज़ में दो-दो अलग-अलग social handles पे डालूँ. उसमें riding में बहुत time भी जाता है and you know काफ़ी मुशक्कत होती है उससे. तो it's better that I put my live statuses on my Instagram. वैसे भी Instagram पे lot of people follow me, like around 4,000 people. So I'll try to do it on Facebook, but मुझे नहीं पता मैं Facebook पे कितने हद तक post कर पाऊँगा. Because a long ride is very hectic. Long ride में time कम होता है, distance बहुत cover करना होता है, आपको तो पता ही है. और that's the reason I just want to focus on rides, vlogging and Instagram stories. So stay tuned on Instagram. मैं कहाँ जा रहा हूँ, I'll update it over there. Before a few days maybe. सब कुछ डिसाइड हो चुका है, प्लान डिसाइड हो चुका है, कैसे जाना है, किधर से जाना है, किसके साथ जाना है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है. बस अभी आपको बताने की देर है. सो इट्स अ प्रिटी लॉन्ग राइड. एक हिंट मैं दे दूं कि इट इज़ माय नॉन स्टॉप लॉन्गेस्ट राइड टिल नाउ. सो इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग माई चैनल यू माइट नो हाउ फार आई एम गोइंग. एंड यस इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी, इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग राइड. बहुत हेक्टिक होगी डेफिनेटली बट यू नो दैट्स इट, दैट्स ओके, आई कैन डू इट. वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई जस्ट थॉट टू शेयर विथ यू माई लाइफ स्टेटस ऑफ व्हाई आई एम नॉट डूइंग लॉन्ग राइड्स नाउ डेज.
काम वॉन्डरसन आहे तर राइड्स कशा बंद होणार? इट इज नॉट पॉसिबल. राइड्स तो चलती रहेगी, लॉन्ग राइड्स डेफिनेटली चलती रहेगी. सी यू गाइज इन सम अदर प्लेस इन सम अदर व्लॉग. अनटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉन्डरिंग गाइज. पीस आउट.